मैथ्स के इस चैप्टर में आज हम लोग सर्ड्स की बात करेंगे। तो मैं आप लोगों को सर्ड्स के पहले कुछ बेसिक दिखाऊंगा, देन उसके बाद हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, एग्जाम्पल्स करेंगे, एंड देन उसके बाद आपको कुछ क्वेश्चंस करने हैं जो विच यू आर सपोज टू डू एट होम, एंड अगर उसमें कोई डाउट आता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सर्ड्स, अगर एक रैशनल नंबर है और एन एक पॉजिटिव इंटीजर है, इस तरीके से कि ए रेज़ टू द पावर 1/n, जिसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, वो इरेशनल हो जाता है, तो तब हम उसको सर्ड बोलते हैं, सर्ड ऑफ ऑर्डर एन। से फॉर एग्जाम्पल दिस वन, ये तीनों के तीनों इरेशनल नंबर है और इसका ऑर्डर 3 है, इसका ऑर्डर 6 है और इसका ऑर्डर 5 है, तो इस तरीके से हम इसको सर्ड बोलते हैं। ये सर्ड हम लोगों ने 9th क्लास में किया भी है, लेकिन हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेनेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। सर्ड्स के टाइप देखते हैं हम। फर्स्ट वन इज क्वाड्रेटिक सर्ड। अगर ऑर्डर 2 है देन इट इज अ क्वाड्रेटिक सर्ड। जब भी ऑर्डर 2 होता है तो हमें यहाँ पे 2 लिखने की जरूरत नहीं होती है। अगर आप नहीं लिखेंगे तो इसका मतलब है कि दिस इज 2। क्यूबिक सर्ड, अगर ऑर्डर 3 है तो क्यूबिक सर्ड। बाई क्वाड्रेटिक, अगर ऑर्डर 4 है तो बाई क्वाड्रेटिक, ऑर्डर 3 के लिए क्यूबिक। एंड देन प्योर सर्ड्स। प्योर सर्ड्स का मतलब है कि जिसमें यूनिटी सिर्फ एक रैशनल फैक्टर है, उसको हम प्योर सर्ड बोलते हैं। इसका क्या मतलब है? जैसे √2, √2 इज अ प्योर सर्ड, क्योंकि अगर हम इसको लिखना चाहें तो बस ऐसे लिख सकते हैं √2 × 1, तो इसलिए ओनली रैशनल फैक्टर इज 1, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड प्योर सर्ड। एंड द नेक्स्ट वन इज मिक्स्ड सर्ड, जिसमें रैशनल फैक्टर यूनिटी के अलावा भी कुछ और होता है, उसको हम मिक्स सर्ड बोलते हैं। जैसे √3, तो इसको हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं √2 × √3 × 1, 1 तो हमेशा ही आएगा, तो इसलिए हम यहां पे देखते हैं कि यूनिटी के अलावा, 1 के अलावा 2 भी एक रैशनल फैक्टर है, इसलिए हम इसको मिक्स सर्ड बोलते हैं। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट कंपाउंड सर्ड्स। कंपाउंड सर्ड्स वो होते हैं जहां पे दो या दो से ज्यादा सिंपल सर्ड्स का सम या डिफरेंस अगर हम दिखाते हैं तो उसको हम कंपाउंड सर्ड बोलते हैं। वो डिफरेंस दो या दो से ज्यादा सिंपल सर्ड्स का भी हो सकता है और एक रैशनल और एक सर्ड का भी हो सकता है। जैसे √3 + √2, दिस इज एन एडिशन ऑफ टू सिंपल सर्ड्स √3 एंड √2। और अगर हम √2 − √3 की बात करते हैं तो दिस इज अ डिफरेंस ऑफ रैशनल एंड द सर्ड। सिंपल सर्ड, रैशनल नंबर इज 2 एंड द सिंपल सर्ड इज √3, तो इसको हम कंपाउंड सर्ड बोलते हैं। बाइनोमियल सर्ड्स, ये कंपाउंड सर्ड्स के ही पार्ट है। बाइनोमियल सर्ड जिनके अंदर दो टर्म्स होती हैं उनको हम बाइनोमियल सर्ड बोलते हैं, जिनके अंदर तीन टर्म्स होती हैं उनको हम ट्राइनोमियल सर्ड्स बोलते हैं। जैसे अगर हम लिखते हैं √2 + 10, सो दिस इज वन टर्म एंड दिस इज द सेकेंड टर्म। टर्म्स हमेशा प्लस या माइनस साइन से सेपरेट की जा सकती हैं, तो इस तरीके से ये बाइनोमियल सर्ड है। नीचे हम जाते हैं तो ये ट्राइनोमियल सर्ड है, क्योंकि यहाँ पे √7 है, √5 है और √3 है, तो दे आर कॉल्ड ट्राइनोमियल सर्ड्स। और पॉलिनोमियल में फिर अगर ज्यादा हो जाती हैं, दो से ज्यादा हो जाती हैं, तो उनको हम पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं। सो देन √2 √3 एक टर्म, √4 √5 एक टर्म एंड √7 √11 एक टर्म, √6 √3 नेक्स्ट टर्म। तो इस तरीके से अगर दो से ज्यादा टर्म्स होती हैं तो उनको हम पॉलिनोमियल सर्ड भी बोल सकते हैं, ट्राइनोमियल भी पॉलिनोमियल सर्ड है। अगर हम √π की बात करते हैं तो √π कोई सर्ड नहीं है। जैसे अगर हम बोलते हैं √2 √3, इसको हम एक सर्ड बोलते हैं क्योंकि अंडर रूट के अंदर जो भी नंबर है, ये 3, दिस इज अ रैशनल नंबर। लेकिन अगर हम √π की बात करते हैं तो जैसे कि हम जानते हैं कि पाई
दिस इज इरेशनल। तो जब भी आप अंडर रूट के अंदर कोई भी नंबर लिखेंगे तो वो इरेशनल नहीं हो सकता है, वो रैशनल ही होना है। तो इसीलिए रूट पाई इज नॉट अ सर्ड। अगर हम एट रेस टू पावर 1/3 लिखते हैं तो ये भी सर्ड नहीं है। इसका सर्ड ना होने का रीजन अलग है। 8 raised to the power 1/3 इज इक्वल टू 2, और हम जानते हैं कि 2 तो एक रैशनल नंबर है। तो अगर सर्ड सॉल्व हो जाती है देन इट इज नॉट अ सर्ड। एवरी सर्ड इज एन इरेशनल नंबर बट एवरी इरेशनल नंबर नीड नॉट टू बी अ सर्ड। जैसे अगर हम पाई की बात करते हैं तो पाई एक इरेशनल नंबर तो है लेकिन एक सर्ड नहीं है। सर्ड का मतलब कि उसको हम रैशनल नंबर की पावर में कुछ इस तरह से लिख सकें कि वो सॉल्व ना किया जा सके, उसको रैशनल नंबर ना बनाया जा सके। अब हम लोग ये देखेंगे कि हम दो सर्ड को कंपेयर कैसे करते हैं। देखिए अगर तो सर्ड्स का ऑर्डर सेम है तो कंपेयर करना काफी आसान है। जैसे मान लीजिए कि ये दो सर्ड्स हैं, इनको कंपेयर करना आसान इसलिए है क्योंकि अगर हम ये जानते हैं कि ए इज ग्रेटर देन बी तो देन दिस सर्ड विल बी ग्रेटर देन दिस सर्ड। पावर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें सिर्फ अंदर का जो नंबर है उसको देखना है, रैशनल नंबर को देखना है। अगर ये रैशनल नंबर जो भी बड़ा होगा वही वाली सर्ड बड़ी हो जाएगी। जैसे अगर हम इसके केस में बात करते हैं तो 19 इज ग्रेटर देन 13, दैट्स व्हाई दिस सर्ड इज ग्रेटर देन दिस सर्ड। 80 इज लेस देन 93, दैट्स व्हाई 80 रेस टू द पावर 1/7 इज लेस देन 93 रेस टू द पावर 1/7। अगर हम लाइक सर्ड्स की बात करते हैं, लाइक सर्ड्स हम उनको बोलते हैं जिनमें इरेशनल फैक्टर सेम होता है। जैसे रूट 5 इस सर्ड का इरेशनल फैक्टर है, इसमें भी इरेशनल फैक्टर रूट 5 ही है और इसमें भी इरेशनल फैक्टर रूट 5 है, दैट्स व्हाई दे आर लाइक सर्ड्स। और अनलाइक सर्ड्स की अगर हम बात करते हैं, जैसे इसमें इरेशनल फैक्टर रूट 2 है, इसमें रूट 5 है और इसमें 7 raised to the power 1/3 है, तो दे आर अनलाइक सर्ड्स। अगर हम लोग ऑपरेशन की बात करते हैं सर्ड्स पे और एडिशन या सब्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं लाइक सर्ड्स पे, तो आपको लाइक सर्ड्स के केस में सिर्फ जो कॉमन इरेशनल फैक्टर है उसको ब्रैकेट से बाहर लेना है। जैसे 4 root 5, 6 root 5 and 1/2 root 5, यहां पे इरेशनल फैक्टर रूट 5 है, दैट्स व्हाई दे ऑल आर लाइक सर्ड्स। अगर हम रूट 5 को कॉमन ले लेते हैं तो अंदर सिर्फ रैशनल पार्ट बचता है, 4 + 6 + 1/2 दैट इज 21/2। तो इस तरीके से आंसर कम्स टू 21/2 root 5। तो इसलिए लाइक सर्ड्स में हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने के लिए इरेशनल फैक्टर को कॉमन ले लेते हैं। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ सर्ड्स। जब कभी भी हम मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन की बात करते हैं, जैसे ए रेस टू पावर 1/n इंटू बी रेस टू पावर 1/n, तो यहां पे चूंकि दोनों सर्ड्स में ऑर्डर सेम है, इसमें भी n है और इसमें भी n है, तो इसीलिए हम अंदर के रैशनल नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यानी अगर हम 5 raised to the power 1/3 एंड 7 raised to the power 1/3 इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं देन द आंसर कम्स टू 35 raised to the power 1/3, 7 × 5 = 35। और इसी तरीके से अगर हम 7 raised to the power 1/5 को 9 raised to the power 1/5 से डिवाइड करते हैं तो देन ये 7/9 हो जाता है। यहाँ पे एक बात ध्यान रखिए कि अगर दो सर्ड्स हैं उनका ऑर्डर सेम नहीं है तो उनको सबसे पहले लोवेस्ट कॉमन ऑर्डर में लेके आते हैं और फिर उसके बाद मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं। मैं आपको ये एग्जाम्पल देके समझाता हूं। से फॉर एग्जाम्पल 7 raised to the power 1/7, 5 raised to the power 1/5, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करना चाहते हैं लेकिन 7 raised to the power 1/7 में ऑर्डर 7 है और 5 raised to the power 1/5 में ऑर्डर 5 है, इन दोनों को हम सिंपली मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो यहां पे मल्टीप्लाई करने के लिए हम लोगों को सबसे पहले इनका ऑर्डर सेम करना होगा। हम लोग
ये कर सकते हैं कि 7 और 5 इन दोनों का एलसीएम 35 होता है, तो इसलिए हम इनकी पावर को 1/35 बनाएंगे। उसको बनाने के लिए हम इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं, 7^5 होल रेज टू पावर 1/35 इंटू 5^7 होल रेज टू पावर 1/35 एंड दैट कम्स टू 7^5 इंटू 5^7 होल रेज टू पावर 1/35। तो इस तरीके से हम एलसीएम लेके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर दो सर्ड्स का प्रोडक्ट एक रैशनल नंबर आता है तो हर सर्ड दूसरे का रैशनलाइजिंग फैक्टर कहलाती है। मैं आपको कुछ रैशनलाइजिंग फैक्टर बता देता हूं। अगर आपके पास √a + √b है तो उसका रैशनलाइजिंग फैक्टर √a - √b होगा, और अदर वे राउंड √a - √b का √a + √b होगा। a + √b उसका रैशनलाइजिंग फैक्टर a - √b होगा, और या फिर अदर वे राउंड √a का √a होगा। इनफैक्ट अगर a की पावर 1/n है तो उसका रैशनलाइजिंग फैक्टर a^पावर 1 - 1/n होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं देन इट कम्स टू a^पावर 1/n + 1 - 1/n एंड दैट कम्स टू a। तो इसीलिए a^पावर 1/n का रैशनलाइजिंग फैक्टर a^पावर 1 - 1/n होगा। जैसा हमने अभी डिस्कस किया a^पावर 1/n अगर मोनोमियल सर्ड है, सिर्फ एक ही टर्म है, तो तब उसका रैशनलाइज फैक्टर a^पावर 1 - 1/n होगा। और अगर हम बाइनोमियल सर्ड्स की बात करते हैं तब उनका रैशनलाइज फैक्टर कैसे निकालेंगे अब वो देखते हैं। जैसे a+√b उसका रैशनलाइज फैक्टर a - √b होगा, √a - √b का √a + √b होगा, a - √b का a+√b होगा एंड √a + √b का √a - √b होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो सिंपली a² - b² का फॉर्मूला अप्लाई हो जाता है और ये एक दूसरे के रैशनल फैक्टर बन जाते हैं। अगर हम लोगों को एक ट्रायनोमियल सर्ड का रैशनलाइजिंग फैक्टर निकालना है तो उसको करने के लिए हम लोग सबसे पहले दो टर्म्स को कंबाइन करते हैं और उसका रैशनलाइजिंग फैक्टर निकालते हैं, जैसे √a + √b - √c। तो यहाँ पे हमने रूट ए और रूट बी को कंबाइन कर लिया, उसका रैशनलाइजिंग फैक्टर √a + √b + √c होगा। मैं जानता हूं आपके लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि अब इसके बाद जो टर्म आएगी वो कोई रैशनल नंबर नहीं होगा, वो एक इरेशनल नंबर होगा। तो उसमें लेकिन जो इरेशनल नंबर होगा वो बाइनोमियल सर्ड का होगा। फिर हम अपने ऊपर के मेथड से उसका भी रैशनिंग फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन करके देखते हैं तो आपको ये ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। मान लीजिए मेरे पास है √3 + √5 - √7। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं √3 + √5 + √7 से, देन इट कम्स टू √3 + √5 होल स्क्वायर - 7 एंड दैट कम्स टू 8 + √15 - 7 दैट कम्स टू 1 + √15। और फिर इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर 1 - √15 होगा जिससे हमें एक रैशनल नंबर मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम ट्राइनोमियल सर्ड्स को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट कॉन्जुगेट सर्ड्स। दो सर्ड्स अगर उनके बीच में प्लस और माइनस का डिफरेंस है तो उनको हम कॉन्जुगेट सर्ड्स बोलते हैं। जैसे a+√b a - √b का कॉन्जुगेट बाइनोमियल सर्ड है, ऐसे ही √a + √b √a - √b का कॉन्जुगेट बाइनोमियल सर्ड है। सर्ड्स के बारे में इतना सीखने के बाद अब मैं आप लोगों के सामने कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स पुट करने जा रहा हूं जो आपको क्वेश्चंस करने में काम में आएंगे और फिर हम कुछ एग्जांपल्स करके देखेंगे। फर्स्ट वन इज, अगर a+√b = c+√d है और a और c रैशनल नंबर्स हैं, √b और √d सर्ड्स हैं, तो देन a = c एंड b = d।
इसका मतलब ये कि अगर मैं ऐसा बोलता हूँ ए प्लस रूट बी इज इक्वल टू 3 प्लस रूट 5, दैट मीन्स ए इज इक्वल टू 3 एंड बी इज इक्वल टू 5। ये काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट इज कि अगर हम बोलते हैं रूट ए प्लस रूट बी, तो उसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। देखते हैं कि हम इसको ऐसे कैसे लिख सकते हैं। अगर हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देते हैं तो देन ए प्लस रूट बी विल बी इक्वल टू स्क्वायर ऑफ दिस प्लस स्क्वायर ऑफ दिस प्लस 2 इंटू दिस इंटू दिस, दैट इज ए प्लस रूट ए स्क्वायर माइनस बी होल अपॉन 2 प्लस ए माइनस रूट ए स्क्वायर माइनस बी होल अपॉन 2 प्लस 2 एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम लोग, तो अगर आप न्यूमरेटर्स में देखते हैं इस नंबर को और इस नंबर को, तो देन दे आर कॉन्जुगेट टू ईच अदर। क्योंकि अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 विल बी इक्वल टू 2, 2 एंड 2 कैंसिल आउट एंड देन इट बिकम्स 2 एलसीएम आ जाता है फर्स्ट टू टर्म्स का, एंड दिस बिकम्स ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो जाता है एंड बी, सो दिस इज 2a/2 + b, दिस इज होल रेस्ट टू पावर 1/2, सो b रेस्ट टू पावर 1/2, दैट इज a प्लस रूट बी। तो इस तरीके से ये दोनों इक्वल हो जाते हैं और हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसी तरीके से हम लोग अंडर रूट ए प्लस रूट बी प्लस रूट सी प्लस रूट डी, उसको भी हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ये रिजल्ट्स हैं जो आपको याद होने चाहिए। एंड देन इसको हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं। अगर हम ए रेस टू पावर 1/3 इंटू बी रेस टू पावर 1/3 का रैशनल फैक्टर देखना चाहते हैं तो दैट विल बी दिस मच। ऐसा इसलिए क्योंकि हम जानते हैं कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब दैट विल बी इक्वल टू सॉरी ए क्यूब प्लस बी क्यूब दैट विल बी इक्वल टू ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अगर हम ए की जगह पे 1/3 पुट ए रेस्ट टू पावर 1/3 पुट कर देते हैं या एक्स रेस्ट टू पावर 1/3 पुट कर देते हैं, से ए इज इक्वल टू एक्स रेस्ट टू पावर 1/3 एंड बी इज इक्वल टू वाई रेस्ट टू पावर 1/3, देन दिस विल बिकम एक्स प्लस वाई, दिस विल बिकम एक्स रेस्ट टू पावर 1/3 प्लस वाई रेस्ट टू पावर 1/3 एंड दिस विल बिकम एक्स रेस्ट टू पावर 2/3 प्लस वाई रेस्ट टू पावर 2/3 माइनस एक्स रेस टू पावर 1/3 वाई रेस टू पावर 1/3। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमें एक रैशनल नंबर मिल जाता है। तो दैट्स व्हाई इसका रैशनल फैक्टर ये है, और ऐसे ही ए रेस टू पावर 1/3 माइनस बी रेस टू पावर 1/3 का रैशनल फैक्टर ये है। यहाँ पे हमने ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला यूज किया है। अब हम लोग लास्ट पार्ट की बात करेंगे, एट्थ आइडेंटिटी की। ये 2a कब होगा? पहले हम LHS को देखते हैं।
और अगर हम इसको रैशनलाइज करते हैं तो देन अगर हमें ये दिया है कि ए स्क्वायर माइनस बी इज इक्वल टू वन, तो देन दिस होल एक्सप्रेशन विल बिकम और अब अगर हम x इज इक्वल टू अंडर रूट के प्लस वन पुट कर दीजिए, मान लीजिए अगर हम x इज इक्वल टू अंडर रूट के प्लस वन पुट करते हैं और इसमें पुट करते हैं तो x स्क्वायर विल बी के प्लस वन, अगर हम यहां पे पुट करते हैं तो देन दिस विल बिकम अगर हम a प्लस रूट बी होल स्क्वायर अगर हम इसको ओपन कर देते हैं इट विल बिकम ए स्क्वायर प्लस बी प्लस टू ए रूट बी प्लस वन अपॉन ए प्लस रूट बी। लेकिन इस एक्सप्रेशन से हम जानते हैं कि बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस वन होता है, इसलिए अगर हम बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस वन पुट कर देते हैं इसमें, मैं यहां पर लिख देता हूं इसको, देन इट विल बिकम टू ए स्क्वायर प्लस टू ए रूट बी अपॉन ए प्लस रूट बी। अगर हम यहां पे टू ए कॉमन ले लेते हैं इट विल बिकम ए प्लस रूट बी अपॉन ए प्लस रूट बी, बोथ विल गेट कैंसिल आउट एंड द आंसर विल बी टू ए। तो इस तरीके से ये प्रूव हो जाता है। अब हम लोग कुछ सिंपल एग्जांपल्स करके देखेंगे, सिंपल से टफ की तरफ जाएंगे। इनफैक्ट फर्स्ट वन इज आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, आप 5 को लेफ्ट हैंड साइड को लीजिए क्यूब कीजिए तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, दैट कम्स टू 32.5। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एग्जांपल। इस एग्जांपल में आपको x दिया है दैट इज 1 माइनस रूट टू और आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है x माइनस 1 अपॉन x होल क्यूब। यहां पे x की वैल्यू को पुट करना एक समझदारी नहीं होगी क्योंकि यहां पे 1 अपॉन x भी है, तो इसलिए हम क्यों ना सबसे पहले 1 अपॉन x को फाइंड आउट करें 1 अपॉन 1 माइनस रूट टू। डिनोमिनेटर को हम हमेशा सिंप्लीफाई करते हैं रैशनलाइजेशन के थ्रू एंड दैट इज माइनस 1 प्लस रूट टू। अगर हम x माइनस 1 अपॉन x करते हैं दैट इज 1 माइनस रूट टू प्लस 1 प्लस रूट टू, रूट टू एंड रूट टू कैंसिल आउट हो जाएंगे दैट विल बी टू क्यूब एंड आंसर इज 8। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर x है रूट थ्री प्लस रूट टू अपॉन रूट थ्री माइनस रूट टू एंड y इज रूट थ्री माइनस रूट टू अपॉन रूट थ्री प्लस रूट टू, तो हमें फाइंड आउट करना है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर क्या होगा। यहां पे हमें सबसे पहले डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करना है, डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करने के लिए हमें डिनोमिनेटर के रैशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करना होगा। तो अगर हम रूट थ्री माइनस रूट टू है डिनोमिनेटर में जैसे x में, तो देन इट कैन बी रैशनल फैक्टर कैन बी रूट थ्री प्लस रूट टू। इसीलिए अगर हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में रूट थ्री प्लस रूट टू से मल्टीप्लाई करते हैं इट विल बिकम रूट थ्री प्लस रूट टू होल स्क्वायर अपॉन वन, यानी फाइव प्लस टू रूट सिक्स एंड y बन जाएगा फाइव माइनस टू रूट सिक्स। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विल बी फाइव प्लस टू रूट सिक्स होल स्क्वायर प्लस फाइव माइनस टू रूट सिक्स होल स्क्वायर, दैट कम्स टू 98। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स माइनस रूट वन माइनस एक्स इज इक्वल टू वन, तो आपको शो करना है x इज इक्वल टू 16 अपॉन 25। इसको शो करने के लिए हम लोग सबसे पहले रूट एक्स को राइट हैंड साइड पे ले जाते हैं वन माइनस रूट एक्स। ऐसा इसलिए मैं आपको बता देता हूं कि हम ऐसा क्यों करते हैं। मान लीजिए कि रूट एक्स प्लस रूट वाई से दैट इज इक्वल टू ए, तो देन जहां पे y काफी कॉम्प्लिकेटेड है, या फिर अगर हम डायरेक्ट इसी को ले लेते हैं, मान लीजिए अगर हम इसी की स्क्वायरिंग कर देते हैं दोनों तरफ, तो देन इसकी स्क्वायरिंग कुछ ऐसे होगी
एक्स प्लस एक्स माइनस रूट वन माइनस एक्स प्लस टू रूट एक्स अंडर रूट एक्स माइनस रूट वन माइनस एक्स विल बी इक्वल टू वन। और इससे हमें कोई बेनिफिट नहीं होगा क्योंकि ये टर्म और भी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है, तो इसलिए यही ज्यादा अच्छा होगा कि हम रूट एक्स को राइट हैंड साइड पे ले जाएं ताकि हम जो कॉम्प्लिकेटेड टर्म है वो सिर्फ सिंगल आउट हो जाए और हम उसको सॉल्व कर सकें स्क्वायरिंग करके। अगर हम रूट एक्स को राइट हैंड साइड पे ले जाते हैं और स्क्वायरिंग करते हैं तो देन एक्स माइनस रूट वन माइनस एक्स विल बी इक्वल टू वन माइनस रूट एक्स होल स्क्वायर दैट इज वन प्लस एक्स माइनस टू रूट एक्स दैट कम्स टू माइनस रूट वन माइनस एक्स इज इक्वल टू वन माइनस टू रूट एक्स। इनको भी स्क्वायरिंग कर लेते हैं क्योंकि अंडर रूट के अंदर अभी भी बाइनोमियल टर्म है यानी दो टर्म्स हैं, तो इसलिए यहाँ पे अगर हम इसको सिंगल ही रखें तो ज्यादा अच्छा होगा। स्क्वायरिंग करते हैं तो 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू वन प्लस फोर एक्स माइनस फोर रूट एक्स दैट इज 5x इज इक्वल टू फोर रूट एक्स। जब कभी भी 5x इज इक्वल टू फोर रूट एक्स है तो इसको हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं x अपॉन रूट एक्स इज इक्वल टू फोर अपॉन फाइव दैट इज रूट एक्स इज इक्वल टू फोर अपॉन फाइव x इज इक्वल टू 16 अपॉन 25 और इस तरीके से ये सॉल्व हो जाता है। अब हम लोग इस सम को देखेंगे। इस सम में खास बात ये है कि x इज इक्वल टू 1 बाय टू रूट ए प्लस 1 अपॉन रूट ए हमें दिया हुआ है और हमें इसको कैलकुलेट करना है। अगर हम इस टर्म को देखते हैं तो इस टर्म में एक x है और एक अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो क्यों ना हम इस टर्म में x पुट करने से पहले एक्स स्क्वायर माइनस 1 को कैलकुलेट कर लें। x इज दिस मच, अगर हम ये जो ब्रैकेट के अंदर है अगर हम इसका एलसीएम ले लेते हैं तो देन इट कम्स टू ए प्लस 1 अपॉन रूट ए एक्स स्क्वायर विल बी स्क्वायर ऑफ बोथ यानी ए प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन 4 ए। तो अगर हम एक्स स्क्वायर माइनस 1 की बात करते हैं तो देन इट विल बी ए प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन 4 ए माइनस 1 दैट विल बी 4 ए प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 4 ए एंड दैट विल बी ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 ए माइनस 4 ए अपॉन 4 ए दैट मीन्स ए स्क्वायर माइनस 2 ए प्लस 1 अपॉन 4 ए एंड दैट विल बी इक्वल टू ए माइनस 1 होल स्क्वायर अपॉन 4 ए। तो इस तरीके से हमारे पास ये कैलकुलेट हो जाता है। अगर हम लोग अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 की बात करते हैं दैट कम्स टू दिस मच एंड चूंकि न्यूमरेटर में हमारे पास टर्म है x माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 तो उसको भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। x माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 विल बी इक्वल टू x इज a प्लस 1 अपॉन 2 रूट ए माइनस a माइनस 1 अपॉन 2 रूट ए। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसको हम कुछ ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। इन दोनों टर्म्स का एलसीएम आएगा 2 रूट ए ए प्लस 1 माइनस ए माइनस 1 दैट विल बी ए प्लस 1 माइनस ए प्लस 1 अपॉन 2 रूट ए एंड ए कैंसिल आउट दिस बिकम्स 2 अपॉन 2 रूट ए दैट इज 1 अपॉन रूट ए। तो इस तरीके से हमारे पास ये टर्म आ जाती है और फिर हम इसको जो भी गिवन एक्सप्रेशन है उसमें पुट कर देते हैं एंड देन इट कम्स टू 10/5। कभी कभी ज्यादा स्मार्ट तरीका ये होता है कि हम लोग जो गिवन है उसी को सॉल्व करें तो जो हमें प्रूव करना है वो ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाता है। x इज इक्वल टू 3 प्लस 3 रेस्ट टू पावर 1 बाय 3 प्लस 3 रेस्ट टू पावर 2 बाय 3 हमें शो करना है कि x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 18x माइनस 12 इज इक्वल टू 0
आप समझ सकते हैं कि इसमें अगर आप x की वैल्यू पुट करने जाते हैं तो वो समझदारी नहीं होगी, क्योंकि वो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसीलिए हम लोग थोड़ा सिंपल वे से शुरू होते हैं। 3 प्लस 3 रेस पर 1 बाय 3 प्लस 3 रेस पर 2 बाय 3, इसमें जो सर्ड्स है उनको हम एक तरफ रख लेते हैं और रैशनलाइजिंग फैक्टर रैशनलाइजिंग टर्म को दूसरी तरफ ले आते हैं। तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 3 रेस पर 1 बाय 3 प्लस 3 रेस पर 2 बाय 3। यहां पे हम क्यूब करेंगे दोनों तरफ। क्यूब करने से हमें ये जो 3 रेस पर 1 बाय 3 और 3 रेस पर 2 बाय 3 है ये कुछ हद तक सॉल्व हो जाएगा। तो देखते हैं कि हम क्यूब कैसे करते हैं। x माइनस 1 का होल क्यूब, ये तो डायरेक्ट क्यूब का फॉर्मूला है जो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहां पे उसने क्या किया है वो हम अलग से देख लेते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, 3 रेस टू पावर 1 बाय 3 होल रेस टू पावर 3 कैंसिल आउट, 3 आ गया, दिस आल्सो गेट्स कैंसिल आउट, 9 प्लस 3 इंटू 3 रेस टू पावर 1 बाय 3 प्लस 2 बाय 3। और ये जो ब्रैकेट में है इसको हम x माइनस 3 पुट कर सकते हैं, क्योंकि यहां से हम देख सकते हैं एक्स माइनस 3 है। सो देन इट बिकम्स 12 प्लस 3 इंटू 3 इंटू एक्स माइनस 3 एंड दैट कम्स टू 12 प्लस 9x माइनस 27, दैट इज 9x माइनस 15। सो देन x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 27x माइनस 27 विल बी इक्वल टू 9x माइनस 15। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। देखिए x इज इक्वल टू 4 प्लस रूट 15 होल रेस टू पावर 1 बाय 3 प्लस 4 माइनस रूट 15 होल रेस टू पावर 1 बाय 3। और हमें प्रूव करना है कि x क्यूब माइनस 3x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे भी हमें थोड़ा स्मार्टली प्रूव करना होगा। हम सबसे पहले x क्यूब करते हैं। अगर हम x क्यूब करते हैं तो हम फॉर्मूला लगाते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो अगर हम इस पूरे टर्म को a मान लेते हैं और इस पूरी टर्म को अगर हम b एज्यूम करते हैं तो ए क्यूब दैट इज 4 प्लस रूट 15 प्लस बी क्यूब 4 माइनस रूट 15 प्लस 3 ए, ये पूरी टर्म ए है, ये पूरी टर्म बी है, इंटू ए प्लस बी। बस तो दैट मीन्स 4 प्लस रूट 15 प्लस 4 माइनस रूट 15, रूट 15 एंड रूट 15 कैंसिल आउट, 4 प्लस 4 इज 8 विच इज दिस प्लस 3 इंटू, अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो देन इट कम्स टू 16 माइनस 15 होल रेस टू द पावर 1 बाय 3। तो ये 1 रेस टू द पावर 1 बाय 3 हो जाता है तो वो तो 1 ही होगा, तो दैट इज 3। और ये पूरी की पूरी टर्म, दिस होल टर्म इज अगेन x। सो x क्यूब इज इक्वल टू 8 प्लस 3x, दैट इज x क्यूब माइनस 3x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से ये सम प्रूव हो जाता है। नेक्स्ट सम, अंडर रूट एक्स माइनस रूट 12 इज इक्वल टू रूट 4 माइनस रूट एक्स। अगर हम इस रूट एक्स को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आते हैं तो देन इट बिकम्स 2 रूट एक्स, रूट 4 दैट इज 2 एंड रूट 12 राइट हैंड साइड पे जाके 2 रूट 3 हो जाता है। तो इस तरीके से रूट एक्स विल बी 1 प्लस रूट 3। और अगर हम इसकी स्क्वायरिंग करते हैं तो देन x इज इक्वल टू 1 प्लस रूट 3 का स्क्वायर दैट इज 3 प्लस 2 रूट 3, दैट मीन्स
फोर प्लस टू रूट थ्री। नेक्स्ट सम, कैलकुलेशन का एक और बेहतरीन एग्जाम्पल है ये सम, ए रेस टू पावर 1/3 प्लस बी रेस टू पावर 1/3 प्लस सी रेस टू पावर 1/3 इज इक्वल टू 0, देन शो दैट ए प्लस बी प्लस सी होल क्यूब इज इक्वल टू 27abc। इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका मैं आपको दिखा रहा हूं, गिवन दैट ए रेस टू पावर 1/3 प्लस बी रेस टू पावर 1/3 प्लस सी रेस टू पावर 1/3 इज इक्वल टू 0, तो हम सी को राइट हैंड साइड पे लेके आ सकते हैं माइनस सी रेस टू पावर 1/3। अगर हम दोनों तरफ क्यूब करते हैं, ए रेस टू पावर 1/3 प्लस बी रेस टू पावर 1/3 का होल क्यूब एंड माइनस सी रेस टू पावर 1/3 का होल क्यूब, तो देन हमें मिल जाता है ए रेस टू पावर 1/3 का क्यूब इज ए एस ए बी प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। लेकिन हम जानते हैं कि ये पूरा का पूरा माइनस सी रेस टू पावर 1/3 है यहां से, तो इसको हम पुट कर देते हैं एंड देन राइट हैंड साइड पे माइनस सी हो जाता है, तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 3a^3, b^3, c^1/3। एंड देन अगर हम दोनों तरफ क्यूब करते हैं देन इट बिकम्स 27abc। इसको करने का एक तरीका और भी था। हम लोग जानते हैं कि अगर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc होगा। यहां पे अगर हम a की जगह a रेस टू पावर 1/3 पुट कर देते हैं देन इट बिकम्स 0 होगा तो देन विल बी इक्वल टू 3, और अगर हम इसको सॉल्व करते हैं और अगर हम दोनों तरफ क्यूब करते हैं और इस तरीके से ये प्रूव हो जाता है। लेकिन आपको ये जो मेथड हम लोगों ने किया इसमें जो गिवन मेथड था वो भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज शो दैट दिस ऑल इज इक्वल टू 0। तो यहां पे हम हर टर्म को, जैसे हम देखते हैं तीन टर्म्स हैं 1, 2, 3, इन तीनों टर्म्स को सिर्फ रैशनलाइज करते हैं। फर्स्ट वाली टर्म को रैशनलाइज करने के लिए हम √3 - √2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। सो डिनोमिनेटर बिकम्स लाइक दिस -2। सेकेंड टर्म के लिए हम √5 + √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं एंड थर्ड टर्म के लिए √5 + √2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। दिस एंड दिस कैंसिल आउट, दिस एंड दिस कैंसिल आउट, और ये तो 1 हो जाता है। सो √3 - √2 - √5 + √3 + √5 + √2, और अगर हम इनको सॉल्व करते हैं आंसर कम्स टू 0। नेक्स्ट सम, अंडर √15 - √14 इज इक्वल टू √8 - √7, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ऐसे केस में हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देते हैं, इट बिकम्स 15 - √14 इज इक्वल टू 8 + 7। ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो 8 + 7 - √8 × 7, दैट इज अगर हम कंपेयर करते हैं सिमिलर टर्म्स को तो √14 इज इक्वल टू 4√14, एक्स कम्स टू 4।
ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने, आपको इसका सॉल्यूशन देखना है, समझना है, लेकिन कुछ पार्ट जो आपके लिए डिफिकल्टी लेवल पे होंगे उनको मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। देखिए, फर्स्ट इज वो इसको कैसे लिखता है वो देखते हैं। अंडर रूट 2 प्लस रूट 3, अगर हम इसको रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो देन इट बिकम्स, न्यूमरेटर बिकम्स 4 प्लस 2 रूट 3। 2 को हम एज इट इज रहने देते हैं, लेकिन अगर हम 3 के फैक्टर करते हैं तो दैट इज 3 इंटू 1, और हम जानते हैं कि 3 प्लस 1 4 होता है, तो इसीलिए हम इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट रूट 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 रूट 3 अपॉन रूट 2, दैट इज रूट 3 प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन रूट 2 एंड दैट इज रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 2, दैट इज रूट 3 बाय 2 प्लस रूट 1 बाय 2। तो इस तरीके से ये सॉल्व हो जाता है। अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं तो दैट मीन्स 2 प्लस रूट 3 इज इक्वल टू रूट 3 बाय 2 प्लस रूट 1 बाय 2 होल स्क्वायर। इसलिए उसने न्यूमरेटर को कुछ ऐसे लिखा और डिनोमिनेटर में दिस इज रूट 2 एज इट इज एंड दिस इज रूट 3 बाय 2 प्लस 1 बाय रूट 2 यहां से। अब इससे आगे वो कैसे चलता है वो भी मैं आपको बता देता हूं। इस टर्म को, न्यूमरेटर को हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, ये उसने न्यूमरेटर यहां पे लिखा और रूट टू स्क्वायर, रूट टू स्क्वायर में से एक रूट टू उसने बाहर लिख लिया और एक रूट टू से इस पूरे डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिया। अगर हम इस पूरे डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं देन इट बिकम्स 2 प्लस रूट 3 प्लस 1, दैट इज 3 प्लस रूट 3। और इस तरीके से उसने ये टर्म लिखी है। तो अब आप इस पूरे सॉल्यूशन को समझिए और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो देन आप मेरे से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में अंडर रूट 9 प्लस 2x, इससे हम यहां पे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो देन दिस बिकम्स 9 प्लस 2x, क्योंकि अंडर रूट 9 प्लस 2x का होल स्क्वायर हो जाता है तो 9 प्लस 2x माइनस अंडर रूट 2x into 9 plus 2x is equal to 5. 9 plus 2x, जब भी कभी आपके पास ये ऑप्शन होता है कि स्क्वायर रूट की टर्म्स को आप अलग कर सकते हैं तो हमेशा अलग कर लीजिए, क्योंकि हम उसको फिर इंडिपेंडेंटली फ्रीली स्क्वायर कर सकते हैं। सो दिस इज 4 प्लस 2x is equal to under root 2x into 9 plus 2x, और इसको हम स्क्वायरिंग कर देते हैं तो x comes to 8.
नेक्स्ट सम, ये रेशियो से रिलेटेड सम है, ए अपॉन ए इज इक्वल टू बी अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन सी इज इक्वल टू डी अपॉन डी, दैट इज इक्वल टू के. अगर हम एज्यूम कर लेते हैं तो देन ए विल बी ए के, बी इज इक्वल टू बी के, सी इज इक्वल टू सी के एंड डी इज इक्वल टू डी के. हमें सिर्फ ये वैल्यूज लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में पुट करनी है एंड विल गेट द आंसर. आप पहले ट्राई करके देखिए, अगर नहीं होता है तब मैं आपको सॉल्यूशन दिखाता हूं. एंड द सॉल्यूशन इज दिस. इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए मैं सबसे पहले आपको उसका सॉल्यूशन समझा देता हूं कि उसने क्या किया, एंड देन उसके बाद फिर आपको एक दूसरा सॉल्यूशन देता हूं जिससे आप प्रोसीड कर सकते हैं. ए एक्स स्क्वायर, हमने x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर और डिनोमेटर में, ए एक्स स्क्वायर बन जाता है ए एक्स क्यूब अपॉन एक्स. ऐसे बी वाई क्यूब अपॉन वाई एंड सी जेड क्यूब अपॉन जेड. और हम देख रहे हैं कि ए एक्स क्यूब, बी वाई क्यूब और सी जेड क्यूब तीनों इक्वल है, तो इसलिए हम बी वाई क्यूब और सी जेड क्यूब उनको भी ए एक्स क्यूब पुट कर सकते हैं. ए एक्स क्यूब कॉमन आ जाता है, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन जेड दैट बिकम्स 1. तो इस तरह से यह आ जाता है x a रेस टू पावर 1 बाय 3. लेकिन x a रेस टू पावर 1 बाय 3 y b रेस टू पावर 1 बाय 3 के इक्वल होगा और दैट इज इक्वल टू z c रेस टू पावर 1 बाय 3. क्यों? क्योंकि अगर ए एक्स क्यूब इज इक्वल टू बी वाई क्यूब इज इक्वल टू सी जेड क्यूब, अगर हम तीनों जगह पे क्यूब रूट ले लेते हैं तो ए रेस टू पावर 1 बाय 3 इंटू एक्स इज इक्वल टू बी रेस टू पावर 1 बाय 3 इंटू वाई इज इक्वल टू सी रेस टू पावर 1 बाय 3 इंटू जेड. तो इस तरीके से उसने ये तीनों टर्म्स लिखी है, एंड दैट इज. सो इसका मतलब this given expression is equal to this, also equal to this and also equal to this. अगर हम इस given expression को 3 times add करते हैं तो यहाँ पे हम इन तीनों को भी add कर सकते हैं, that is this much. मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि वो क्या कर रहा है. cube root of ax square plus by square plus सी जेड स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब रूट ऑफ ए. तो इसलिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और इस तरीके से वो तीनों टर्म्स को ऐड करता है तो उसको अपनी डिजायर्ड टर्म मिल जाती है, दैट इज ए रेस टू पावर 1 बाय 3 प्लस बी रेस टू पावर 1 बाय 3 प्लस सी रेस टू पावर 1 बाय 3. एंड देन इन सब में 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन जेड कॉमन आता है, दैट इज 1. इस तरीके से ये प्रूव हो जाता है. लेकिन इसको करने का एक तरीका और भी है जहां से आप प्रोसीड कर सकते हैं, विच इज अ आई थिंक इज अ बेटर मेथड. वो ये कि हम ए एक्स क्यूब प्लस सॉरी इक्वल बी वाई क्यूब इक्वल सी जेड क्यूब उसको हम के एज्यूम कर लेते हैं. सो देन एक्स इज इक्वल टू के अपॉन ए रेस टू द पावर 1 बाय 3 आ जाता है, हम के क्यूब एज्यूम कर लेते हैं. वाई इज इक्वल टू के अपॉन बी रेस टू द पावर 1 बाय 3 आ जाता है एंड जेड इज इक्वल टू के अपॉन सी रेस टू द पावर 1 बाय 3 आ जाता है. हमें गिवन है 1 upon x plus 1 upon y plus 1 upon z is equal to 1. अगर हम x, y और z की वैल्यू यहां से पुट करते हैं तो a raised to the power 1 by 3 plus b raised to the power 1 by 3 plus c raised to the power 1 by 3 is equal to k. और फिर हम उसको given expression, ये जो हमारे पास given expression है इसमें पुट कर सकते हैं. जैसे x square अगर हम यहां पे पुट करते हैं तो ए एंड एक्स स्क्वायर इज के स्क्वायर अपॉन ए रेस टू द पावर 2 बाय 3. इसी तरह से के स्क्वायर
बी रेज टू द पावर 1/3 प्लस के स्क्वायर सी रेज टू द पावर 1/3 एंड दैट बिकम्स के स्क्वायर ए रेज टू द पावर 1/3 प्लस बी रेज टू द पावर 1/3 प्लस सी रेज टू द पावर 1/3 एंड दैट इज k क्यूब दैट इज इक्वल टू k बट k इज अगेन a रेज टू द पावर 1/3 प्लस बी रेज टू द पावर 1/3 प्लस सी रेज टू द पावर 1/3 और इस तरीके से ये प्रूव हो जाता है. Prove that for x greater than or equal to 1, this whole expression will be equal to 2. If x is less than or equal to 2, and this will be equal to 2 root x minus 1 if x is greater than 2. यहाँ पे ये एक बहुत ही अच्छा समय आप लोगों के कॉन्सेप्ट को थोड़ा ज्यादा क्लियर करने के लिए. जैसे अगर मैं इस गिवन टर्म की बात करता हूं तो तब ये है x माइनस वन. अगर हम इसके फैक्टर देखते हैं तो दैट इज x माइनस वन इंटू वन और हम जानते हैं कि x माइनस वन प्लस वन इज इक्वल टू x. सो इसीलिए हम इस गिवन एक्सप्रेशन को कुछ ऐसे लिख सकते हैं. And it becomes आपको यहां पे ध्यान ये रखना है कि जब भी आप अंदर कोई भी क्वांटिटी पुट करते हैं जैसे ये क्वांटिटी This has to be positive. तो इसीलिए जब हम इसको पुट करते हैं तो इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं. या तो ऐसे या फिर लेकिन अगर x लेस देन और इक्वल टू 2 होगा तो तब हम इसको ऐसे लिखेंगे और अगर x ग्रेटर देन 2 होगा तो तब हम इसको ऐसे लिखेंगे. अब हम सॉल्यूशन पे चलते हैं तो आपको कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर हो जाएंगे. ये फॉर्मूला है अंडर रूट ए प्लस रूट बी प्लस अंडर रूट ए माइनस रूट बी इज इक्वल टू 2 एंड ऑल दिस. यहां पे हम वैल्यूज पुट कर देते हैं देन इट बिकम्स अंडर रूट एक्स माइनस टू होल स्क्वायर. हम डायरेक्टली इसको इसका सॉल्यूशन लिख सकते हैं मॉडुलस एक्स माइनस टू. मॉडुलस का मतलब होता है इट हैज टू बी पॉजिटिव. अगर एक्स ग्रेटर देन टू है तो तब ये पूरा पॉजिटिव होगा हम इसको एक्स माइनस टू ही लिखेंगे. लेकिन अगर एक्स लेस देन टू है तब ये नेगेटिव होगा तब हम इसको लिखेंगे माइनस ऑफ एक्स माइनस टू एंड इट बिकम्स टू माइनस एक्स. अगर आपको मॉडुलस के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप अपने सर से बात कर सकते हैं. नेक्स्ट सम ये भी काफी इंटरेस्टिंग सम है. एक्चुअली इस सम के अंदर हम लोग इन्फिनिटी को यूज करते हैं. हम लोग जानते हैं कि इन्फिनिटी एक काफी बड़ा नंबर है तो इसीलिए अगर हम उसमें से एक वन टर्म माइनस भी कर देते हैं तो देन इट विल अगेन रिमेन इन्फिनिटी. दैट इज इन्फिनिटी माइनस वन इज अगेन इन्फिनिटी और इसी बात के ऊपर ये बेस्ड है. जैसे मान लीजिए कि x इज इक्वल टू ऑल दिस अगर हम उसमें से ये फर्स्ट टर्म
एलिमिनेट कर भी देता है तो इट विल अगेन बी, दिस होल विल ऑल्सो बी अगेन इनफाइनाइट, इनफाइनाइट तक हम मान सकते हैं, तो इसको भी हम x मान सकते हैं, दिस इज इक्वल टू x, तो इसलिए हम x इज इक्वल टू अंडर रूट 1/2 x लिख सकते हैं, और जब हम स्क्वायरिंग करते हैं तो देन फिर अपने सिंपल मेथड से x की वैल्यूज हमारे पास 0 एंड 1/2 आ जाती हैं, 0 हो नहीं सकती है, तो इसलिए 1/2 इज द राइट आंसर. नेक्स्ट हम फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल दिस, ये भी इनफाइनाइट तक ही है, तो हम यहां पे भी एक टर्म को छोड़ के बाकी सब टर्म को x पुट कर सकते हैं, एंड दिस विल बी x इज इक्वल टू अंडर रूट 12 प्लस एक्स, एंड देन फिर स्क्वायरिंग करके हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, माइनस 3 हो नहीं सकता है, तो आंसर इज 4 ओनली. फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 8 प्लस 2 रूट 15, रूट 50 प्लस रूट 48, इन सबका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने में एक ही लॉजिक है. देखिए, अगर मुझे स्क्वायर रूट 8 प्लस 2 रूट 15 इसका निकालना है, तो एक तरीका तो डायरेक्ट है, डायरेक्ट तरीका ये है कि हम रूट 15 यानी 15 के फैक्टर देखते हैं, दैट कम्स टू 5 इंटू 3, और हम जानते हैं कि 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8. जब भी आप ये मेथड अप्लाई करते हैं आपको ये ध्यान रखना है कि बाहर सिर्फ 2 होना चाहिए, नहीं है तो लेके आइए, और अगर 2 से ज्यादा है तो बाकी सबको अंडर रूट के अंदर ले जाइए. तो 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8, दिस बिकम्स अंडर रूट रूट 5 स्क्वायर प्लस रूट 3 स्क्वायर प्लस 2 रूट 5 रूट 3, दैट इज रूट 5 प्लस रूट 3 होल स्क्वायर का अंडर रूट, एंड दैट इज रूट 5 प्लस रूट 3. तो इस तरीके से इसका स्क्वायर रूट आ जाता है. लेकिन अगर मान लीजिए आप इस मेथड को लाइक नहीं भी करते हैं तो हम लोग एक दूसरा तरीका भी है हमारे पास, 8 प्लस 2 रूट 15 दैट इज इक्वल टू रूट ए प्लस रूट बी, ऐसा एज्यूम कर लीजिए और फिर आप स्क्वायरिंग कर दीजिए. सिमिलर टर्म्स हम हमेशा कंपेयर कर सकते हैं, दैट इज ए प्लस बी इज इक्वल टू 8 एंड ए बी इज इक्वल टू 15, लेकिन हम जानते हैं बाय द आइडेंटिटी ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस 4ab, दैट इज 64 माइनस 60, दैट कम्स टू 4, ए माइनस बी कम्स टू प्लस माइनस 2. अब यहां पे क्वेश्चन ये आता है कि हम a माइनस बी को पॉजिटिव लें या नेगेटिव लें. इस क्वेश्चन का आंसर हमें मिलता है ए बी से. अगर a या b दोनों में से कोई भी एक अगर नेगेटिव होता तो देन ए बी भी नेगेटिव होता, लेकिन ए बी पॉजिटिव है. ए माइनस बी इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, यहां पे हम लोग इसको प्लस लेके चलते हैं. अगर हम प्लस लेके चलते हैं तो ए प्लस बी विल बी इक्वल टू 8 एंड ए माइनस बी विल बी इक्वल टू 2, दैट इज ए इज इक्वल टू 5 एंड बी इज इक्वल टू 3, सो आंसर कम्स टू रूट 5 प्लस रूट 3. मान लीजिए अगर आप नेगेटिव लेके चलते हैं तो तब भी a प्लस बी इज इक्वल टू 8, ए माइनस बी इज इक्वल टू माइनस 2, ए कम्स टू 3 एंड बी कम्स टू 5, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दैट इज स्टिल रूट 5 प्लस रूट 3. लेकिन a और b पॉजिटिव है इस बात का हमें पता चलता है ab इज इक्वल टू 15 से. आप स्क्रीन पॉज करके इन सभी के स्क्वायर रूट को स्टडी कर सकते हैं.
दिस इज द स्क्वायर रूट ऑफ रूट 50 प्लस रूट 48। तो कभी कभी हमें कुछ कॉमन भी लेना पड़ता है। दिस इज द स्क्वायर रूट ऑफ दिस बिग नंबर। इसको भी स्टडी कीजिए। यहां पे उसने ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज की है। अब हम देखेंगे कि हम फोर्थ रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं। दैट इज हम लोगों को दिस होल रेज टू पावर 1/4 फाइंड आउट करना है। उसको हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं 124 माइनस 32 रूट 15 होल रेज टू पावर 1/2 होल रेज टू पावर 1/2। हम सबसे पहले स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे और फिर उसका एक और स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। मैंने जैसे आपको बताया था कि बाहर सिर्फ 2 रहना चाहिए, तो अब हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर रहे हैं। तो बाहर अगर सिर्फ 2 रहता है तो अंदर वाले को हम फैक्टराइज करते हैं, एंड देन इस तरह से हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया। और फिर फोर्थ रूट फाइंड आउट करने के लिए हम लोग वापस से रूट 64 माइनस रूट 60 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं, एंड देन इट कम्स टू रूट 5 माइनस रूट 3। यहां पे भी सेम कहानी, रूट 1 प्लस रूट 2, फिर अगेन रूट 1 प्लस रूट 2 एंड सो ऑन। तो इसलिए अगर हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो देन इट विल बिकम, इसको हमें थोड़ा सा करेक्ट करना पड़ेगा, दिस इज रूट 1 प्लस 2 रूट 1 प्लस 2 रूट 1 प्लस 2 एंड सो ऑन। सो देन दिस बिकम्स, दिस होल बिकम्स इक्वल टू एक्स। सो एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस 2x, एंड देन उसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो एक्स कम्स टू 1 प्लस माइनस रूट 2। जब भी हम इनइक्वालिटी की बात करते हैं तो सबसे पहले तो आप एक बात ध्यान रखिए, जैसे अगर 3 इज ग्रेटर देन 2, जब भी हम इसको डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे यानी 1/3 1/2, अगर 3 ग्रेटर देन 2 है तो 1/3 विल बी लेस देन 1/2, यानी इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। हम रूट 7 माइनस रूट 3 को रैशनलाइज करते हैं, रूट 7 प्लस रूट 3 डिनोमिनेटर में आ जाता है, ऐसे ही रूट 5 प्लस रूट 1 ये भी डिनोमिनेटर में आ जाता है। ये हम क्यों कर रहे हैं? ये इसलिए कर रहे हैं ताकि ये माइनस साइन खत्म हो जाए, हमें प्लस साइन में इसको रखना है। हम देखते हैं कि जो रूट 7 है वो रूट 5 से बड़ा है एंड रूट 3 रूट 1 से बड़ा है। तो इस तरीके से रूट 7 प्लस रूट 3 रूट 5 प्लस रूट 1 से बड़ा होगा। माइंड इट, अगर ये रूट 7 माइनस रूट 3 होता तो तब हम कुछ नहीं बोल सकते थे, ये दोनों के दोनों प्लस है, इसलिए हम ऐसा बोल पा रहे हैं कि रूट 7 प्लस रूट 3 इज ग्रेटर देन रूट 5 प्लस रूट 1। अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं आपको फिर से बता देता हूं। से ए इज ग्रेटर देन बी एंड सी इज ग्रेटर देन डी, तो तब हम ये बोल सकते हैं कि ए प्लस सी विल बी ग्रेटर देन बी प्लस डी। लेकिन ए माइनस सी भी बड़ा होगा b माइनस डी से, ये भी हम बोल सकते हैं, लेकिन इसमें a माइनस सी नेगेटिव आ सकता है या b माइनस डी नेगेटिव आ सकता है। टू अवॉइड दैट हम लोगों ने इसको रैशनलाइज किया, तो रूट 7 प्लस रूट 3 इज ग्रेटर देन रूट 5 प्लस 1। अगर हम इसको डिनोमिनेटर में लेके जाते हैं तो देन इसको हम यहां पे कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि 1/√7 प्लस रूट 3 इज लेस देन 1/√5 प्लस 1। और फिर अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इट विल मेक नो डिफरेंस, क्योंकि 4 एक पॉजिटिव नंबर है। हम जब भी किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तब इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। जैसे अगर 3 इज ग्रेटर देन 2 तो देन माइनस 3 इज लेस देन माइनस 2। सो दैट मीन्स दिस नंबर इज लेस देन 4/√5 प्लस 1। दैट मीन्स रूट 7 माइनस रूट 3 इज लेस देन रूट 5
माइनस वन। तो इस तरीके से हम इनइक्वालिटी के सम्स सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, ये हम लोगों ने पहले भी करके देखा है, तो अब आप इसको खुद से ट्राई कीजिए। ये इसका सॉल्यूशन है। ये भी सेम टाइप का ही क्वेश्चन है जो आप करके देख सकते हैं। इन टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए x अपने आप में ही काफी कॉम्प्लिकेटेड है, 5 माइनस रूट 21 अपॉन 2। तो इसलिए हम लोग इस बात की डेयरिंग नहीं करेंगे कि हम x की वैल्यू पुट करें, दैट विल नॉट बी द स्मार्टनेस। यहां पे हम ये देखते हैं कि हम लोगों के पास x भी है और 1 अपॉन x भी है, तो हम क्यों ना 1 अपॉन x की वैल्यू फाइंड आउट करें। तो 1 अपॉन x इज 2 अपॉन 5 माइनस रूट 21, एंड अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो देन इट बिकम्स 2 5 प्लस रूट 21 अपॉन 25 माइनस 21, एंड दैट इज 5 प्लस रूट 21 होल अपॉन 2। तो x प्लस 1 अपॉन x अगर हम करते हैं तो x प्लस 1 अपॉन x विल कम टू 2 5। तो इस तरीके से ये 5 आ जाता है। अगर एक बार हमारे पास x प्लस 1 अपॉन x आ जाता है तो हम गिवन एक्सप्रेशन को x प्लस 1 अपॉन x की टर्म में लिख सकते हैं। ये तो हमारे पास पहले से ही x प्लस 1 अपॉन x है। इसको लिखने के लिए दिस इज x प्लस 1 अपॉन x होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू x इंटू 1 अपॉन x। तो इस तरीके से x प्लस 1 अपॉन x की फॉर्म में लिख सकते हैं, और इसको भी ऐसे ही लिखा जा सकता है, x प्लस 1 अपॉन x होल क्यूब माइनस 3x इंटू 1 अपॉन x x प्लस 1 अपॉन x। और इस तरह से x प्लस 1 अपॉन x की सिंप्लीफाइड वैल्यू पुट करके हम इसको प्रूव कर सकते हैं। और ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। ये भी सिमिलर टाइप का ही सम है, पहले आप इसको खुद से करके देखिए। इसके सॉल्यूशन को देखने से अच्छा है कि आप इसको खुद से ट्राई कीजिए, शायद आप कोई बेटर सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकें। ये इसका सॉल्यूशन, यहां पे x प्लस 1 अपॉन x कम्स टू 7, इसको भी आप खुद से करके देखिए, लेकिन मैं आपको एक छोटा सा हिंट दे देता हूं ताकि आपकी कहानी थोड़ी आसान हो जाए। bx² - ax + b = 0, ये हमें प्रूव करना है। अगर हम x से डिवाइड कर देते हैं, इट बिकम्स bx - a + b / x = 0, दैट इज bx + 1 अपॉन x - a = 0। तो इसका मतलब हमें सबसे पहले x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, वो आप करके देखिए, तो देन बाकी सब कुछ प्रूव करना आसान हो जाएगा। इसने x को पहले सिंप्लीफाई किया है, लेकिन आपको जिस तरीके से मैंने बताया वैसे भी करके देख सकते हैं। शायद आपको इसका सॉल्यूशन ज्यादा लेंदी लगेगा, तो जैसे मैंने आपको बताया वैसे करके देखिए। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट सम, इस सम में आप इसका सॉल्यूशन भी समझ सकते हैं, अदरवाइज
हम कुछ ऐसे भी बोल सकते हैं कि ए इज इक्वल टू वन अपॉन बी, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो हम क्यों ना गिवन एक्सप्रेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, क्योंकि अगर हम ए बी इज इक्वल टू वन यहां से प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर अपॉन एंड दैट इज इक्वल टू और इस तरीके से हम फिर ए प्लस वन अपॉन ए की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं आपको इसका सॉल्यूशन भी दिखा देता हूं। इसने सबसे पहले ए प्लस बी की वैल्यू निकाली है, फिर ए बी की वैल्यू कैलकुलेट की है एंड देन उसको गिवन एक्सप्रेशन में पुट कर दिया। नेक्स्ट इज दिस, यहां पे हम सबसे पहले अगर हमें एक्स इज दिस मच, तो हम यहां पे जैसे उसने सॉल्यूशन दिया है, पहले उसने एक्स को सॉल्व किया है, हम यहां पे इसको ऐसे भी कर सकते थे कि एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू 3 प्लस 2 रूट 2, और फिर हम इसको डायरेक्टली पुट कर सकते हैं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वन अपॉन एक्स स्क्वायर, तो दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 2। यहां पे आपको एक्स के लिए सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दिस इज 3 प्लस 2 रूट 2 प्लस वन अपॉन 3 प्लस 2 रूट 2 होल स्क्वायर माइनस 2। अगर हम अंदर रैशनलाइज कर देते हैं तो 3 प्लस 2 रूट 2 प्लस 3 माइनस 2 रूट 2 होल स्क्वायर माइनस 2 एंड दैट बिकम्स 6 स्क्वायर माइनस 2 दैट इज 34। तो इस तरीके से आपको एक्स के लिए सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती है। मैं आपको वही बता रहा हूं कि कभी कभी हम उनके सॉल्यूशन से भी बेटर सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि अगर हम खुद से करके देखते हैं। इसका आंसर भी इतना लेंदी करने के बाद 34 ही है। एंड द लास्ट एग्जाम्पल इज शो दैट रूट 2 इज नॉट अ रैशनल नंबर। ये हमने कई बार क्लास में भी किया है, तो ये आपको परफेक्टली समझ में आएगा। और अब हम लोग क्वेश्चंस पे चलते हैं विच यू आर सपोज टू डू। मैं इस पूरे सभी क्वेश्चंस को आपको धीरे धीरे करके मूव कर रहा हूं। आपको कहीं पे भी लगता है कि मुझे ये क्वेश्चन करना चाहिए, तो देन आप मूवी को रोक के एंड उस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं। आपको एक एक क्वेश्चन ट्राई करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 6 to 10 क्वेश्चन नंबर 11th
क्वेश्चन नंबर 12 to 16। क्वेश्चन नंबर 17 to 21। क्वेश्चन नंबर 22 and 23। क्वेश्चन नंबर 24 to 28। क्वेश्चन नंबर 29 to 32। क्वेश्चन नंबर 33 to 35। क्वेश्चन नंबर 36 to 38। क्वेश्चन नंबर 39 to 41। क्वेश्चन नंबर 42 to 45। क्वेश्चन नंबर 1 to 7। क्वेश्चन नंबर 8 to 13। क्वेश्चन नंबर 14 and 15। क्वेश्चन नंबर 16 to 20। और ये कुछ कंटेस्ट प्रॉब्लम्स हैं जो पहले के ओलंपियाड्स में पूछी गई हैं, इनको भी आप ट्राई करके देख सकते हैं। टेन प्रॉब्लम्स। और ये इन सब के आंसर्स हैं। मल्टीपल चॉइस, कन्वेंशनल टाइप, एंड प्रीवियस कंटेस्ट प्रॉब्लम्स। और इसके साथ ये वाला चैप्टर यहां पे खत्म हो जाता है। थैंक यू एंड गुड बाय।